और इस साल की हज यात्रा पर संशय के बादल छाए हुए हैं। सऊदी अरब की सरकार ने इस बार जो 60 साल उम्र की पाबंदी लगाई है और उसके हिसाब से सिर्फ 400 लोग ही हज यात्रा पर जा सकेंगे। शनिवार को महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए स्टेट हज कमेटी की बैठक बुलाई गई। हज यात्रा पर रवानगी का वक्त अब बेहद करीब है, लेकिन अभी तक सेंट्रल हज कमेटी की ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। सऊदी सरकार ने जो मौखिक रूप से उम्र सीमा की बात कही है, उसके अनुसार 60 साल से ऊपर के हज यात्रा पर नहीं जा सकते। इस शर्त को देखते हुए चले तो सिर्फ 400 लोग ही हज यात्रा के लिए झारखंड से क्वालिफाई कर पाएंगे। टोटल लगभग 400 लोगों को मैंने आज चिन्हित किया है और सरकार के जो गाइडलाइन आया है वहाँ से 18 साल से लेकर 60 साल तक लोग हज जा सकेंगे, लेकिन अभी तक सऊदी गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं आया है। तो कल हम बैठक बुलाए हैं, सभी मेंबर्स को मैंने इनवाइट भी किया है और उसके बाद हम लोग बैठक में निर्णय लेंगे कि केंद्र सरकार जो है दबाव बनाए। दूसरी सबसे बड़ी कंफ्यूजन वैक्सीनेशन को लेकर है। सऊदी सरकार सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता देती है। कोवैक्सीन जो संभावित यात्री ले चुके हैं वो कैसे कोविशील्ड लेंगे, इन सब बातों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। शनिवार को स्टेट कमेटी की बैठक बुलाई गई है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। सरकार जो है वैक्सीनेशन जो चल रहा है कार्यक्रम, उसको लेकर दुविधा में है। हमारे जो हज में जाएंगे जितने लोग आवेदन आया है, कई हाजी हम जो जाने वाले हैं वो फ़ोन कर रहे हैं कि सर हम लोग क्या करें, हम लोग कोवैक्सीन ले लिए हैं और सरकार कह रही है कि नहीं कोविडशील्ड लो, और कोविडशील्ड का मान्यता सऊदी अरब नहीं दे रही है। तो ये भी एक इशू है कि क्या कोविडशील्ड को वैक्सीन मिक्सन बॉडी में ले सकते हैं क्या। सऊदी सरकार ने जैसा एक प्रेस रिलीज में बताया था कि सिर्फ 60,000 विदेशी लोग इस बार हज यात्रा कर सकेंगे, जबकि हर साल 45 लाख लोग हज यात्रा पर सऊदी जाते थे। अब 60,000 में भारत को कितना कोटा मिलता है, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन दीपक के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।